नमस्ते बच्चों, आज हम इस वीडियो में द्विघात समीकरण अर्थात क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में सीखेंगे। मुझे आशा है कि आपने अपने पिछले कक्षाओं में विभिन्न प्रकार के बहुपदों के बारे में सीखा है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां a शून्य के बराबर नहीं है, यह एक द्विघात बहुपद है अर्थात क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पर जब हम इस द्विघात बहुपद को शून्य के बराबर करते हैं तो हम एक द्विघात समीकरण अर्थात क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्राप्त करते हैं। वास्तविक जीवन से संबंधित कई समस्याओं को हल करने में हम द्विघात समीकरणों का प्रयोग करते हैं। द्विघात समीकरणों का हमारे जीवन में महत्व समझाने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। मान लीजिए कि आपको एक बगीचा बनाना है जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुना से 5 मीटर अधिक है, और आपको पता है कि बगीचे का क्षेत्रफल 250 मीटर स्क्वायर है। कक्ष की लंबाई और चौड़ाई क्या होनी चाहिए? हम सबसे पहले चौड़ाई को x के बराबर मानते हैं, तब लंबाई 2x प्लस 5 के बराबर होगी। क्षेत्रफल अर्थात एरिया 2x प्लस 5 इंटू एक्स अर्थात 2x स्क्वायर प्लस 5x के बराबर है, और हमें यह दिया हुआ है कि क्षेत्रफल 250 मीटर स्क्वायर है, इसलिए 2x स्क्वायर प्लस 5x 250 के बराबर है। अब हम 250 को पाई तरफ ले आते हैं तो इससे हमें एक द्विघात समीकरण प्राप्त होता है। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। इस बार प्रश्न यह है कि राम और श्याम दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों पांच पांच कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे? तो हल इस प्रकार होगा। हम मानते हैं कि राम के पास आरंभ में x कंचे थे, क्योंकि दोनों के पास मिलाकर 45 कंचे थे, इसलिए श्याम के पास 45 माइनस x कंचे होंगे। प्रश्न के अनुसार क्योंकि दोनों पांच पांच कंचे खो देते हैं और खोने के बाद उनके पास जो कंचों की संख्या है उसका गुणनफल अर्थात प्रोडक्ट 124 है, इसलिए x माइनस 5 अर्थात जो घूमने के बाद राम के पास कंचे बाकी हैं उसका गुणनफल 45 माइनस x माइनस 5 जो है कंचों की संख्या जो श्याम के पास बाकी है, ये बराबर होना चाहिए 124 के। जब हम 45 में से 5 को निकालते हैं तो हमें मिलता है x माइनस 5 इंटू 40 माइनस x इज इक्वल्स टू 124। जब हम इस गुणनफल को खोलते हैं तब हमें प्राप्त होता है x इंटू 40, जो है पहला पहला पद है, और माइनस एक्स स्क्वायर, फिर -200 प्लस 5x जो है बराबर 124 के। इसे और सरल बनाने पर हमें यह प्राप्त होता है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 324 इक्वल्स टू 0। यह एक द्विघात समीकरण है। वह वास्तविक संख्याएं जो इस द्विघात समीकरण को संतुष्ट करते हैं वह इस प्रश्न के हल होंगे। चलिए एक और उदाहरण करते हैं। इस बार प्रश्न यह है कि आपको निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं बताना है। तो चलिए पहला प्रश्न पढ़िए। x माइनस टू होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 2x माइनस 3। हमें यह बताना है कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं, अर्थात आपको यह देखना है
कि क्या हम इस दिए हुए समीकरण को एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो की तरह लिख सकते हैं या नहीं। पर ध्यान रखें कि a जो है वो शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी हम उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। तो चलिए पहले प्रश्न का हल देखते हैं। बाया पक्ष अर्थात लेफ्ट हैंड साइड जो है वो x माइनस टू होल स्क्वायर प्लस वन है, जिसको हमने x माइनस टू होल स्क्वायर को खोल के हमने यह लिखा है कि एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर प्लस वन, जो बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फाइव के। तो अब हम यह कह सकते हैं कि जो प्रश्न है अर्थात एक्स स्क्वायर एक्स माइनस टू होल स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू टू एक्स माइनस थ्री, उसको एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फाइव इक्वल टू टू एक्स माइनस थ्री लिख सकते हैं। अर्थात जब हम 2x माइनस थ्री को बाएं तरफ लेके जाएंगे तो हमें एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस एट इक्वल टू जीरो प्राप्त होगा, क्योंकि यह जो a है वो शून्य नहीं है। यहाँ पे a का वैल्यू एक के बराबर है, इसलिए दिया हुआ समीकरण द्विघात समीकरण है। चलिए अब दूसरे प्रश्न पर गौर कीजिए। दूसरा प्रश्न है x इंटू एक्स प्लस वन प्लस एट इक्वल्स टू एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू। चलिए हम हल देखते हैं। बाया पक्ष अर्थात राइट हैंड साइड x प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू है, जब हम इसे खोलते हैं तो हमें प्राप्त होता है एक्स स्क्वायर माइनस फोर, और दिए हुए प्रश्न का बाया पक्ष अर्थात एल एच एस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एट के बराबर है। इसलिए दिया हुआ प्रश्न जो है उसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एट इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर। जब हम इस दिए हुए एक्स स्क्वायर को बाएं तरफ ले जाते हैं हमें प्राप्त होता है एक्स प्लस ट्वेल्व इक्वल्स टू जीरो, परंतु यह ए की वैल्यू अर्थात a जो है वो शून्य के बराबर है, इसलिए दिया हुआ समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। अब हम गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल ढूंढेंगे, अर्थात सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। मान लीजिए कि आपको एक द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस एट इक्वल टू जीरो दिया गया है, और अगर हम इस द्विघात समीकरण में x को दो के बराबर रखते हैं तो हमें प्राप्त होता है टू स्क्वायर माइनस सिक्स इंटू टू प्लस एट, जो है फोर माइनस ट्वेल्व प्लस एट के बराबर, जो शून्य के बराबर है। और शून्य जो है वो हमारा आर एच एस अर्थात दाया पक्ष है। इसका यह अर्थ है कि दो द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस एट इक्वल टू जीरो का एक मूल है, अर्थात अंग्रेजी में हम टू को रूट कहते हैं, रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि एक वास्तविक संख्या अल्फा द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, जहां ए जीरो नहीं है, इस द्विघात समीकरण का एक मूल कहलाता है यदि a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इक्वल टू जीरो हो। दूसरे शब्दों में x इक्वल टू अल्फा द्विघात समीकरण का एक हल है, अथवा अल्फा द्विघात समीकरण को संतुष्ट करता है। आपको एक और चीज ध्यान रखनी चाहिए कि कोई भी दिए हुए द्विघात समीकरण का ज्यादा से ज्यादा दो हल हो सकते हैं। चलिए अब हम एक उदाहरण देखते हैं। आपको गुणनखंडन द्वारा समीकरण 2x square minus 5x plus 3 equal to 0 के मूल ज्ञात करने हैं। हल इस प्रकार है, सर्वप्रथम आप मध्य पद अर्थात माइनस फाइव एक्स को माइनस टू एक्स माइनस थ्री एक्स के बराबर लिखेंगे, क्योंकि
अगर आपको याद है तो हम मध्य पद को इस प्रकार लिखते हैं ताकि उन पदों का जो गुणनफल है वह a इंटू सी के बराबर हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए हम दिए हुए द्विघात समीकरण को 2x² - 2x - 3x + 3 लिख सकते हैं। पहले दो पदों से 2x कॉमन लेकर के और आखिरी दो पदों से 3 कॉमन लेके आपको यह समीकरण प्राप्त होगा। अब इन दो पदों से x -1 कॉमन लीजिए तब आपको 2x - 3 into x - 1 equals to 0 प्राप्त होता है। अब आप मुझे बताइए कि अगर दो पदों का गुणनफल शून्य है तो हम यह कह सकते हैं कि या तो पहला पद अर्थात 2x - 3 शून्य के बराबर है या फिर दूसरा पद अर्थात x - 1 शून्य के बराबर है। इसलिए हमें दो हल प्राप्त होंगे। पहला है 2x - 3 = 0 अर्थात x = 3/2। दूसरा है x - 1 = 0 अर्थात x = 1। जैसे कि मैंने आपको कहा था, एक दिए हुए द्विघात समीकरण का ज्यादा से ज्यादा दो मूल हो सकते हैं। जो बगीचे वाला प्रश्न था, हमने उसे सिर्फ द्विघात समीकरण प्राप्त कर छोड़ दिया था। चलिए अब हम उसका हल पूर्ण करते हैं। उस प्रश्न में हमें द्विघात समीकरण 2x² + 5x - 250 = 0 प्राप्त हुआ था। चलिए अब हम इसे हल करते हैं। हम सबसे पहले जो मध्य पद प्लस 5x है इसको ऐसे विभाजित करेंगे ताकि जो a इंटू सी अर्थात 2x² - 250 है वो उस मध्य पद के दो भागों के गुणनफल के बराबर हो। अर्थात अगर आप सोचें तो 25x - 20x जो है वो 5x के बराबर है और इन दोनों का गुणनफल अर्थात 25x - 20x जो है वो -500x² के बराबर है जो a इंटू सी अर्थात 2x² - 250 के बराबर है। इसलिए 25x - 20x ही सही विभाजन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम दिए हुए द्विघात समीकरण को 2x² - 20x + 25x - 250 = 0 लिख सकते हैं। अब पहले दो पदों से 2x कॉमन लीजिए और आखिरी दो पदों से 25 कॉमन लीजिए तो आपको यह समीकरण प्राप्त होगा। आगे x - 10 को कॉमन लीजिए तो आपको 2x + 25 × x - 10 = 0 प्राप्त होगा। तो दोनों भागों को शून्य के बराबर कीजिए और हल ढूंढ लिए। पहले भाग से आपको x = -25/2 प्राप्त होगा और दूसरे भाग से x = 10 प्राप्त होगा। क्योंकि लंबाई नेगेटिव अर्थात शून्य से छोटी नहीं हो सकती इसलिए x जो है वो 10 होना चाहिए।